रुख करेंगे दिलचस्प अजीब की तरफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत वर्जीना से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने कार्नर मार्केट से $2 में टिकट खरीदा। कोलंबियन इस टिकट के जरिए $2,50,000 जीतकर हैरान रह गए और कहा कि मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था और ये लॉटरी जीतकर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबियन शख्स 11 जून को टेलीविजन पर ड्रॉ को देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उनके टिकट पर नंबरों की तरतीब 13, 14, 15, 16, 17 और 18 मैच कर रही है। एक बोनस नंबर 19 भी था, लेकिन पहले 6 नंबरों ने उसे भारी रकम जीतने में मदद की। अमरीकी शख्स ने लॉटरी हुकाम को बताया कि उसने जीतने वाले नंबरों का ख्वाब पहले ही देखा था, जबकि वर्जीनिया लॉटरी ने कोलंबियन की तस्वीर जारी की है जो $2,50,000 के बड़े चेक के साथ नजर आ रहा है। जॉर्जिया में पैदल चलने वालों के लिए शीशे का पुल खोल दिया गया। 240 मीटर तवील और जमीन से 280 मीटर बुलंद डायमंड बुर्ज को पहाड़ी वादी में बनाया गया है। पुल के दरमियान हीरे जैसे इमारत में कैफे भी बनाया गया। इस पगडंडी नुमा पुल के कुछ हिस्सों पर मखसूस शीशा लगाया गया है, जिसके बाद सियाहों के अपने पैरों तले इसके खूबसूरती की तारीफ करना मुमकिन हो सकता है। इस पुल पर सियाह जमीन से 280 मीटर की बुलंदी पर खड़े होकर वादी का नजारा करते हैं। हुकाम के मुताबिक 2.5 सालों में तैयार करदा 40 मिलियन मालियत का ये मंसूबा सियाहत में इजाफा करेगा। यमन के साइंसदान हाशिम अलगैली ने फजा में बरसों मौलिक रहने वाला लग्जरी होटल का मंसूबा तैयार कर लिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जोहरी ताकत से उड़ने वाले होटल में जिम, शॉपिंग मॉल, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, थिएटर और एक कॉन्फ्रेंस सेंटर भी होगा। स्काई क्रूज नामी होटल में बैक वक्त 5,000 से ज्यादा अफराद के सफर करने की गुंजाइश हो सकती है।